क्या कारण है कि उसके आज हम गौभक्त भी हैं और जो गौवंश है टैगिक भी है, उसके बाद भी सड़कों पर आवारा पशुओं की तरह विजन कर रहा है। नहीं देखिए, दुखद है कि लगभग लगभग जो हमारा सर्वे कहता है कि 30,000 के आसपास जो हमारे गौवंश हैं तो निराश्रित पशुओं के तौर पर वो सड़कों पर है। अगर आपने बोला, जैसे आपने खुद बोला कि आप गौभक्त हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से, हर चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करता हूँ कि गौवंश को सड़क पर छोड़ने वाले भी हम ही लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव प्रसाद तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो जो ना दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट में हूं और आज हमारे पशुधन मंत्री श्रीमान सौरभ बगड़ा यहां पहुंचे हैं क्षेत्रीय भ्रमण पे। आइए आज हम बात करेंगे गौवंश की, किस तरह आज दुर्दशा है और सड़कों पर है। आपने कई बार अक्सर देखा होगा कि सड़कों पर गौवंश के आने से कई बार अचानक जो है घटना दुर्घटनाएं भी होती हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि इस वक्त गौभक्त भी हैं और कुछ गाय उनमें टैगयुक्त भी हैं, उसके बाद भी सड़कों पर हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि टेहरी में गाय मर जाती है और किस तरह से कूड़े कचरे की तरह फेंका जाता है। उसके बाद उससे भी जो शर्मसार करने वाली घटना थी वो ये थी कि वो जो गाय मरी उस पर जो टैग लगा हुआ था वो मुर्रा भैंस का था। इस पर मैं पूर्व में शिकायत भी कर चुका हूं और आज मैं माननीय मंत्री जी के सामने इस बात को भी रखूंगा। आइए देखिए, हमारे पीछे जो है एक सज्जन खड़े हैं, ये पहिया है और ये कुशा है और ये सब यहाँ पर लाने के बाद में क्या दिखाना चाहते हैं इनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या चाहिए? क्या है? ये पहिया है जी, कुशा घास है। मंत्री जी आ गए, उनका हार्दिक स्वागत है। लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि आज हमारी गौ माता जो सड़कों पर है उनको जो है उनकी बेकदरी देखी जाए और उनके लिए कुछ उचित व्यवस्था उनके लिए हो, ताकि ये जिस प्रकार ये चारा खिल रहा है उसी प्रकार हमारी गौ माता की। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मैं अनुरोध करूंगा जिलाधिकारी महोदय से, कृपया माननीय पशुपालन मंत्री जी को कुछ सूत्रों के अनुसार उनका अभिनंदन करते हैं। अनुरोध करूंगा डॉक्टर हरी सिंह से, कृपया माननीय बीजेपी जनता के अध्यक्ष महोदय मोटाल साहब को अभिनंदन करें। हमारा अचीवमेंट 75% का था, उसकी संतति में हमारा अचीवमेंट 68.8% का था और भीड़ बकरों में शामिल दवा पाने हमारा अचीवमेंट 108% का था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भीड़ बकरों में सामूहिक दवा पान से हम सस्पेंशन कहते हैं, उसमें हमारा अचीवमेंट 110% था। और इसके अलावा सर गरिंदा पद्धति में तो हम बकर खान बांटते हैं सर, हर ब्लॉक में हमने लगभग 20-20 बकर खान बांटे भीड़ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। 180 बकर खान प्रति वर्ष बांटे जिला क्रम के तहत, उसका अचीवमेंट हमारा 100% था। इसके अलावा सर हमने हर साल सर हर ब्लॉक में दो हम पशु प्रदर्शनी लगाते हैं, जहाँ पर हम बीमार पशुओं का इलाज करते हैं, बांध पर निवारण भी करते हैं, साथ में जो पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले पशुपालक होते हैं उनको प्रेरणा देने के लिए पुरस्कार भी करते हैं। तो गत वर्ष में हमने प्रत्येक ब्लॉक में 2 लगाए, 18 हमने लगाए, 100% हमारा अचीवमेंट था। इसके अलावा आने वाले इस वर्षीय वर्ष या एक साल का जो आपने टारगेट है उसमें हमने कोई वो रखा है कि हम कितना यहाँ पे बढ़ाने की स्थिति में रहेंगे? विभाग और इसका ब्रेक इवन पॉइंट तो होना ही चाहिए, कम से कम अगर प्रॉफिट ना हो तो सर 8-10 क्लस्टर्स हमारे डेवलप हो जाएंगे विद इन डिस्ट्रिक्ट प्लान ओनली, बिकॉज हमने 100 तालाब बनाने हैं सर। और दूसरा सर सिंपल एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे 30-25-160 मोटा मोटा इस एक साल में कोई हमने लक्ष्य रखा है कि हम इतना जो है यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने कोई लक्ष्य रखा है कि हम कार का 30 क्विंटल से 50 करेंगे, पान घास का 25 से 30 करेंगे, प्राउड का जाएगा
क्राउड का डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और थोड़ा माननीय विधायक जी से आप एक बार एक दिन समय लेके बैठ लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये सोचो कि जब हमारा काम खत्म उसके आगे क्या हो रहा हमारी मर्जी, हमारी को कोई उसको मतलब नहीं, इस थॉट प्रोसेस के साथ तो काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पर जिन हुए हैं तो कितनों को रोजगार लगा, आपके लिए तो एक एक बड़ी बात होती कि 200 साल में आपके महीने में 200 लोगों को रोजगार मिल जाता। हमारे लिए भी बड़ी बात होती है, हम विधायक जी जाते हैं हमारे जाते हैं उनके घर पे, भाई आपको बधाई हो आपके बेटे का रोजगार लग गया। अब आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, अब हम ये 794 लोगों का डेटा लेके क्या करेंगे, 257 लोगों को अब क्या करेंगे, हमें मालूम ही नहीं इनका रोजगार लगा कि नहीं। जिस तरह से आज हमारी सरकार जो है हर फील्ड में जैसे कि गौवंश के प्रति खासकर चिंतित है, लेकिन क्या कारण है कि उसके आज हम गौभक्त भी हैं और जो गौवंश है वो टैग युक्त भी है, उसके बाद भी सड़कों पर आवारा पशुओं की तरह विजन कर रहा है। नहीं देखिए दुखद है कि लगभग लगभग जो हमारा सर्वे कहता है कि 30,000 के आसपास जो हमारे गौवंश हैं वो निराश्रित पशुओं के तौर पर सड़कों पर है। अगर आपने बोला जैसे आपने खुद बोला कि आप गौभक्त हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से हर चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ गौवंश को सड़क पर छोड़ने वाले भी हम ही लोग हैं। जब गाय दूध देना कम कर दे रही है तो उसको सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों को करुणा रखनी पड़ेगी। हम गौ माता का दर्जा देते हैं गाय को और दूध कम होने पे उसको सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। बहुत जल्द हम एक पॉलिसी बना के सरकार से क्लियर कराने वाले हैं जिसमें कि गौवंश जो निराश्रित गौवंश है उनको किस तरीके से सड़कों से हटा के उनको छत दी जाए, उनको उनका ध्यान रखा जाए। और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये पॉलिसी पास होगी और आपको जैसे ही बजट बच, क्योंकि देखिए हमारा जो एनुअल इन्वेंट्री भाग है उसका बजट सीमित है और 30,000 गौवंश का ध्यान रखने के लिए, उनके लिए शेल्टर करने के लिए, उनको उनका भरण पोषण करने के लिए हमको एक बजट की ज़रूरत है, जो हमने सरकार से निवेदन किया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन पर मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमको ये फंड उपलब्ध कराया जाएगा और हम कहीं ना कहीं इस गौवंश को सड़क से हटाने में सक्षम। सर कुछ महीने पहले टेरी में एक गाय माता जो है मर जाती है और उसमें कचरे की गाड़ी में कचरे की तरह से फेंका जाता है। उसके बाद में जो है सबसे बड़ा दुखद विषय ये है कि उस गाय के जो कार पर टैग लगा हुआ था उस पर मुर्रा भैंस का टैग लगा हुआ था, जिसकी शिकायत मैं जिलाधिकारी महोदय को एवं मुख्यमंत्री को भी कर चुका हूँ। ये देखिए अगर मेरे संज्ञान में ये मैटर नहीं आया है, ना ही मुझे किसी ने बताया, अगर ऐसा कोई मैटर है तो उसकी जरूर जाँच करा लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। गौ माता के लिए सर शहर में प्याऊ नहीं है, अपने टैग गायों को सड़क पर छोड़ रहे हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई। हमने उनके ऊपर कुछ लोगों के ऊपर FIR हरिद्वार में भी ऐसे कुछ केसेस आए हैं, ऋषिकेश में भी आए हैं, हमने FIR दर्ज करवाई है। हमारा आपके चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड के वासियों से निवेदन है कि पशुओं का ध्यान रखिए, पशुओं को प्याऊ प्याऊ सर शहर में प्याऊ होने चाहिए, पशुओं को ठीक। हमारे माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी और उनकी परंपरा रही है मंत्रिमंडल भावना जी से लेकर के विजय भावना जी और सौरभ भावना जी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो विभाग उनके पास हैं वो हमारे राज्य के प्राण समझी और उस पर वो अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी मीटिंग में उन्होंने, अब जैसे दूध ही है, ऐसा कौन सा घर है जिसमें दूध की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि डेयरी सेल्फ सफिशियंट हो, बाहर से दूध ना लाना पड़े जी, उससे यहाँ के किसानों को लाभ होगा। उसी तरह से मछली के क्षेत्र में उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, अगर वो हम ठीक ढंग से यहाँ पर कर सके, नहीं तो विभाग रखने का कोई मतलब नहीं है अगर वो कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट पर नहीं है। पता चला कि तनख्वाह जा रही है 5 लाख रुपए और फायदा हो रहा है 5,000 रुपए का। ये आपका बहुत से सवाल था जैसे कि आपने पूछा कि आप जो खर्च करें उसको कुछ आयत हो भी रहा ही नहीं हो रहा है। नहीं वो करेंगे, अगर कहीं पर कोई कमी है जी तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया है। विशेषकर जो हमारा यहाँ आंचल डायरी है उसका जो है ठीक होना चाहिए, पहले 12 तक वो बहुत अच्छा था, पता नहीं क्यों उसके बाद इस तरह की उसकी दुर्दशा हो गई, तो अब कोशिश करेंगे कि उन सब चीज़ों को ठीक करें। जैसे हमारे यहाँ ITI है उसमें जो है सबसे अच्छा जो है रोज़गार का अवसर हो सकता है। ऐसा कौन सा घर है जिसमें पानी का नलका नहीं है उसमें फीटर की आवश्यकता है, ऐसा कौन सा घर है जिसमें बिजली की लाइन नहीं है उसमें इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता है, तो वो सारे सब्जेक्ट यहाँ होने चाहिए। और दुर्भाग्यवश जो टिहरी विधानसभा की ITI हैं उनका बड़ा बुरा हाल है। मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने कहा है कि नहीं हम सबको ठीक करेंगे और नोट करके वो ले गए हैं, और मुझे भरोसा है कि उन्होंने पहले भी जब यहाँ दुग्ध संघ बड़ी परेशानी में था, आंचल डेयरी के लोगों को 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली थी, तो एक झटके में उन्होंने 3 करोड़ रुपया जो है स्वीकृत किया। बहुत से लोगों के तो बच्चियों की शादी नहीं हो रही थी जो वह काम करते थे जी, तो निश्चित रूप से हमको उनसे एक आशा जगी है, यहाँ वो आए हैं और उसका लाभ जो है इस जनपद को मिलेगा।
विधायक जी, जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि 21 लाख का जो हमारा बाकी है, जो भी अमाउंट है, आपने इस पर कहा है कि इसको तुरंत जो नहीं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको नए दृष्टिकोण से ठीक करना पड़ेगा। और जिस तरह से जो कनेक्टिविटी है टिहरी, आप टिहरी के किसी भी भाग से जो है आप 4 घंटे में आप प्रदेश के किसी भी बड़े शहर में पहुंच सकते हैं जी, उत्तर प्रदेश के किसी बड़े शहर में पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास मार्केट की उपलब्धता है, उसका लाभ उठा सकें और उनका विभाग इसमें अच्छा काम करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है मैंने अपने जो पशुधन मंत्री हैं उनसे सीधा सवाल, आज हम गौभक्त भी हैं और गौभक्त आयुक्त भी है, उसके बाद भी सड़कों पर क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और आखिर उन लोगों पर कब कार्रवाई होगी कि जो लोग गौवंश को वहाँ सड़कों पर मरने को छोड़ देते हैं और उन्हें आवारा कहते हैं, जबकि मैं कहता हूँ आवारा चिन्हित करके उन लोगों को आवारा कहा जाना चाहिए जिनका ये गौवंश आज सड़कों पर है। तो मेरा मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझेंगे और इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।